हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको व्रत में खाने वाली नमकीन बताने वाली हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो या रेसिपी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। व्रत वाली स्पेशल नमकीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आइए हम देखते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े कटे हुए नारियल, थोड़े से बादाम, सेना नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच देसी घी, नमकीन फ्राई करने के लिए मूंगफली का तेल और 100 ग्राम मूंगफली। सबसे पहले हम आलू का छिलका हटाते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों आलू का छिलका हटा दिया। आलू का छिलका हटाने के बाद आलू को धो लीजिए अच्छे से। फिर लिया मैंने ये कद्दूकस करने वाला, इसमें हम बनाएंगे अपनी नमकीन। ये देखिए, इस तरीके से आप काट लीजिए सारे। ये देखिए, मैंने सारा काट लिया है। अब इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, मैंने 2 से 3 बार इसे धो लिया है और अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हमने चढ़ाई कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम देसी घी। अब इसमें डालते हैं मूंगफली और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। धीमी आंच पे आपको मूंगफली को फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से खस्ता हो जाए। ये देखिए, मूंगफली का कलर चेंज हो गया, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में हम बादाम भी फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा करना है। ये देखिए, अब बादाम भी निकाल लेते हैं। अब हमारी कढ़ाई है गरम, इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली का तेल। जैसे ऑयल गरम हो जाए इसमें आप आलू डाल दीजिए। और इसे हिला लीजिए ताकि ये आपस में चिपके ना। धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है, याद रखिए, आंच तेज मत करिएगा। ये देखिए, इसे बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहिए ताकि आपस में ये चिपके ना। ये देखिए, ये फ्राई हो गया है, थोड़ा सा इसे हम और कर लेते हैं। ये देखिए, अब पूरा ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए, मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है, सारा निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने निकाल लिया सारा। अब बाकी बचे हुए भी हम आलू इसमें डाल देते हैं। याद रखिए, इसे डालने के बाद 1 से 2 सेकंड रुक के थोड़ा सा हिला दीजिएगा, नहीं तो ये आपस में सब चिपक जाएंगे। ये देखिए, बीच बीच में थोड़ा सा हिला दीजिए, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा। देखिए, ये भी फ्राई होने वाला है, ये भी फ्राई हो चुका है। इसे निकालते हैं हम प्लेट में।
देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया ये भी। ये देखिए हमने सारा एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितने करारे बने हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें लेना है एक डोंगा और इसमें सारे आलू फ्राई डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं मूंगफली और बादाम, किशमिश, बारीक कटे हुए नारियल और आपस में इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब इसमें डालते हैं हम स्वाद अनुसार नमक। और इसे फिर से आपस में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए ये नमकीन पूरी रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी व्रत में खाने वाली नमकीन बनके रेडी हो गई है। मैं इसे उठा के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। रेसिपी ट्राई करके देखिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो या रेसिपी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।